और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां मुंगावली में मिले नवजात बच्चे को भोपाल रेफर किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत नाजुक बताई है। बच्चे के शरीर पर चींटियों के काटने की भी बात सामने आई है। जिले की बाल कल्याण समिति के सदस्य जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। मुंगावली में नवजात बच्चे को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया था। कलयुगी परिजनों ने बच्चे को नदी किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां मुंगावली में मिले नवजात बच्चे को भोपाल रेफर किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत नाजुक बताई है। बच्चे के शरीर पर चींटियों के काटने की भी बात सामने आई है। जिले की बाल कल्याण समिति के सदस्य जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। मुंगावली में नवजात बच्चे को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया था। कलयुगी परिजनों ने बच्चे को नदी किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। कल एक मुंगावली में बच्चे की मिलने की बात सामने आई थी, तो SNCU वार्ड में उसको भर्ती किया गया था, जिसकी तहरीर बाल कल्याण समिति के पास पहुंची थी। क्योंकि न्यायपीठ आज खुद जो है यहाँ आई है बच्चे को देखने के लिए। अमूमन होता है कि जो बच्चे मिलते हैं वहाँ पहुँचते हैं, मगर उसकी कंडीशन ये नहीं थी कि वो वहाँ जा सके। इसको देखने आए, अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि करीब करीब एक दिन जो है उसमें कंडीशन में रहा है वो, तो कुछ चीज़ें उसके साथ बहुत ख़राब हुई हैं। चींटियों ने काट लिया है, सूजन है उसको, इन्फेक्शन हो गया। तो इस वजह से अभी जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि उसको भोपाल रेफर करना पड़ेगा या दूसरी जगह जहाँ भी प्रयास किए जाएँ जहाँ उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो भी और अच्छे से अच्छा उपचार हो सकता है वो कराया जाए। तो फिलहाल हमने बाल कल्याण समिति ने जो दीक्षा से सुग्रह है तो उसको हैंड ओवर कर दिया है, तो उनकी कस्टडी में रहेगी जब तक उसका लीगल तौर पर जो है परफेक्शन नहीं हो पाया, तब तक वो इसका देख रेख कर रहे हैं।